First of all, student, you must write down date here. Now read the caption after me. Circle the groups of 10. Write the number of 10s and 1s. Circle the group of 10s. Write the number of 10s and 1s. सबसे पहले हमने 10 की ग्रुपिंग करनी है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वन टेन, ये भी इक्वल है, इट्स मीन ये भी टेंस हैं. टू टेंस, वन टेन टू टेंस, हमारे पास कितने टेंस आए? वन टेन टू टेन. तो हम यहाँ पर टेंस में क्या लिखेंगे? टू टेंस. वहाँ अब हमारे पास देखते हैं कितने बीट्स बाकी बचे. तो जो बाकी बचता है वो हमारा वंस होता है. वन टू थ्री फोर, टू टेंस फोर वंस मेक 24. इसी तरह से आपने नेक्स्ट पार्ट की भी ग्रुपिंग करनी है और टेंस में टेंस लिखने हैं कितने टेंस आए और वंस में वंस लिखने हैं. दोनों पार्ट आपने खुद सॉल्व करने हैं. मेकिंग नंबर पेयर्स ऑफ फाइव, जैसा कि प्यारे बच्चों आपने टू थ्री फोर फाइव की मेकिंग नंबर्स पढ़े थे ना, इसको भी हमने एज इट इज़ वैसे ही सॉल्व करना है. अब हम देखते हैं फाइव कैसे बनता है, किन डिजिट को मिलाएंगे और फाइव बनेगा. फाइव प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल फाइव, फोर प्लस वन फाइव, थ्री प्लस टू फाइव, थ्री प्लस टू फाइव, वन प्लस फोर फाइव. आपने इसको अच्छे से लर्न करना है, ये आपको ओरली भी आने चाहिए. ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे. फाइव प्लस ज़ीरो, हमने ऊपर पढ़ा था ना, फाइव प्लस ज़ीरो इज इक्वल फाइव. तो इधर हम लिखेंगे फाइव. वन प्लस डैश इज इक्वल फाइव. वन प्लस वन प्लस फोर इज इक्वल फाइव. उतारें तो पूरा उतारें. टू प्लस डैश इज इक्वल फाइव. तो प्यारे बच्चों हम टू में क्या प्लस करेंगे कि फाइव आएगा? टू प्लस थ्री इज इक्वल फाइव. थ्री प्लस डैश इज इक्वल फाइव. अब देखें टू प्लस थ्री इज इक्वल फाइव था, इसी तरह थ्री प्लस टू इज इक्वल फाइव होगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू. थ्री प्लस, ऊपर भी किया, थ्री प्लस टू इज इक्वल फाइव. फोर प्लस वन इज इक्वल, फोर में वन प्लस किया, फोर फाइव. आपने इस पेज को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और मेकिंग नंबर पेयर ऑफ फाइव को अच्छी तरह से लर्न भी करना है. ये आपसे ओरली भी सुनी जाएगी. स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़.